क्या जासमीन ने खो दिया है रुबीना जैसी दोस्त? आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूज। रुबीना और जासमीन यानी के रुमी, इस तरीके से हैशटैग चला था बाहर, क्योंकि दोनों की दोस्ती ही शुरुआत में इतनी प्यारी, इतनी अच्छी लगी थी। दोनों का जो बॉन्ड है वो निखर कर हमारे सामने आ रहा था। दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते थे, सपोर्ट करते थे, इमोशनली भी हमने देखा उनका एक बॉन्ड था। फिर साथ ही साथ जिस तरीके से बातों, घर की बाहर की बातों को शेयर करना, एक दूसरे से घर के अंदर की बातों को शेयर करना, ये सब हमें नजर आया था। लेकिन घर के अंदर एंट्री होती है एलिगोनी की, जो कि जासमीन को रोते हुए नहीं देख पाते हैं, बर्दाश्त नहीं होता उनसे, तो घर के अंदर वो एंट्री कर लेते हैं। और जैसे ही उनकी एंट्री होती है, जासमीन अचानक से एक क्यूट सी बच्ची से एक बड़ी बन जाती है, एक मैच्योर बनने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से उनका एक अलग अंदाज एलिगोनी के आने के बाद नजर आया। फिर एलिगोनी धीरे धीरे उनका जो काम है वो शुरू कर देते हैं, मतलब हम देख रहे हैं किस तरीके से घर के अंदर वो रुबीना और अभिनव से दूर करने में लगे हैं, और वो कामयाबी हो चुके हैं किसी हद तक। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि दोनों जो रुबीना है, रुबीना जैसी दोस्त को जासमीन ने खो दिया है? जी हाँ, खो ही दिया है, क्योंकि एक तो उन्होंने एक बात कही थी सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को लेकर, जबकि साफ साफ ये बात उन्होंने अकेले में डिस्कस की थी। रुबीना ने उनसे पूछा था जेन्युइनली, क्योंकि रुबीना दोस्त मानती थी, मानती है इनफैक्ट अभी भी रुबीना जासमीन को। उन्होंने पूछा था कि यार बताओ क्या है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मुझे बता दो ये। तो वो खुल के नहीं बता रही थी, अच्छे तरीके से उन्हें नहीं समझा रही थी जो भी जासमीन को लगता है। लेकिन उन्होंने कब उठाया ये मुद्दा, जब घर के अंदर बात चली थी वीकेंड के बारे में, उन्होंने बोला कि हाँ इनके अंदर है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक गलत फहमी का गुलाब जामुन उन्होंने खिलाया। तब जेन्युइनली रुबीना को हर्ट हुआ, ये हमें भी हर्ट हुआ, और उन्होंने बताया कि हाँ मुझे हर्ट हुआ तो हुआ, बताया उन्होंने साफ साफ। फिर उसके बाद कई बार ऐसी चीज़ें हुई जब रुबीना जासमीन ने उनसे अलग जाकर कही, मतलब धोखा दिया, दोस्ती में भी कई बार धोखा भी दिया उन्होंने। फिर एक फरिश्ता और जो एक जो हैवान डेविल का ये जो पूरा एक टास्क होता है, उस दौरान भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब जासमीन रो रही थी कि नहीं फरिश्ते ने अच्छा किया लेकिन शैतान जीतते हैं, तब रुबीना ने बोला कि नहीं बाबू, मैं समझती हूँ तुम्हें इस टास्क में डिसीजन लेना है, क्योंकि रुबीना बहुत क्लियर है, क्योंकि टास्क में गेम में वो ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे हमेशा मेरा ही साइड ले जासमीन, नहीं, वो पर्सनल चीज़ों को, ये सारी चीज़ों को लेकर ही वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, और वो हुई हर्ट। फिर उसके बाद नॉमिनेशन टास्क हुआ था हाल ही में, हमने देखा जब जासमीन अंदर जाती हैं और उन्हें रुबीना का नाम लेना चाहिए था। ऑब्वियसली जब आप किसी की दोस्त हो तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो बात क्लिक हो जाती है कि हाँ मुझे रुबीना को ही बुलाना है, लेकिन वो कहती कि मुझे आपका थॉट ही नहीं आया, मेरे दिमाग में आपका नाम ही नहीं आया, तो मैंने नहीं लिया, मैंने राहुल का नाम ले लिया। तो इस तरीके से वो भी बात उन्हें बुरी लगी थी। फिर अब कल के एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से जासमीन कविता से हर्ट होके आई थी, रो रही थी और रो के बता रही थी अपनी बातें रुबीना को, और रुबीना चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि हमने पहले देखा है कि किस तरीके से रुबीना उनके बातों में उन्हें समझाती हैं, कुछ बोलती हैं और बोलने के बाद उनको हक करती है, उनके आंसू पोंछती हैं, इस तरीके से उनका एक इमोशनल तरीका है दिखाने का कि हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, सपोर्ट कर रही हूँ, सारी चीज़ें। लेकिन कल के इसमें रुबीना ने कुछ भी नहीं कहा, वो इनफैक्ट सिर्फ उनको ऐसे हाथ फेर रही थी, बस दैट्स इट, ना हक किया ना कुछ बोला, कुछ नहीं। तो इससे पता चलता है कि जासमीन ने रुबीना जैसी दोस्त को खो दिया है पूरी तरीके से। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, मुझे बताइए कि आप सबकी क्या राय है इन सारी बातों पर। आपको भी लगता है कि जासमीन ने रुबीना जैसी अच्छी जेन्युइन दोस्त को बिग बॉस के घर में, वो भी बिग बॉस के घर में खो दिया है? बता दीजिए कॉमेंट सेक्शन में, और देखते रहिए फीफा फूज इसी तरीके की खबरों के लिए।